हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू माय चैनल स्विम स्टे हेल्दी लिसन 12। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग। तो फास्ट आपको स्विमिंग से जो बेनिफिट होता है फुल बॉडी वर्कआउट होता है। तो फुल बॉडी वर्कआउट होता है जैसे आप जिम वगैरह कुछ भी करते होंगे तो वहाँ पे अगर आप हैंड का यूज़ कर रहे हैं डंबल उठा रहे हैं तो सिर्फ हैंड का होता है, लेग से कुछ फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं तो सिर्फ लेग का होता है। लेकिन स्विमिंग में बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीन्स इसमें आपको ऑल बॉडी वर्कआउट होता है, चाहे कोई भी इसको करिए तो उसमें पूरा बॉडी वर्कआउट होता है। एंड हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी दी बॉडी रिमेंस एंड एक्टिव ऑल टाइम। ओके इस तरह। और स्विमिंग करने से आपको काम में फोकस करने का क्षमता और स्टेमिना जो है उसको भी बढ़ा देता है। मानी टीचर्स ऑफ द बॉडी बाय फास्टिंग ब्लड प्रेशर लोअर बैड कोलेस्ट्रोल। तो एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, दिमाग भी स्ट्रांग होता है, ब्रेन स्ट्रांग इसलिए होता है, स्ट्रांग के साथ साथ एक्टिव भी होता है। जैसे बहुत सारा चीज को कोऑर्डिनेशन, जैसे बहुत सारे लोग इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारे चीज मेंटेन करता है माइंड बैलेंस के साथ। तो उसी तरह स्विमिंग में जैसे कि फ्री स्टाइल अगर आप जो फास्ट स्ट्रोक है फ्री स्टाइल तो वो आप करिएगा तो उसमें बहुत सारे चीज़ को कोऑर्डिनेशन करके करना होता है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन सेट करता है ब्रेन को, जिसके कारण ब्रेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी में स्टेमिना जो पहले से रहता है उस स्टेमिना को भी बढ़ाता है, खुद को हमेशा जोशीला रखता है, एक्टिव रखता है, हर काम में फोकस लाता है, फोकस लाने में भी हेल्प करता है। जो मैंने बताया अनिद्रा का बीमारी जो होता है नींद में आने का, तो वो भी आपको ठीक हो जाएगा, वो भी 100% ठीक हो जाएगा स्विमिंग करने से। स्विमिंग करने से बहुत सारा बेनिफिट तो है ही है, साथ में हार्ट अटैक, हाई प्रेशर, पैरालिसिस ये सब बीमारियों को होने से गाइड करता है, होने से और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि जिन लोगों का फैट है बॉडी में ज़्यादा, वेट के वेट बहुत ज़्यादा है कि बोलता है सर इसके हिसाब से मेरा वेट कम है, तो आप लोगों को बता दूँ डेली 1 घंटा स्विमिंग करिए और डाइट मेंटेन करिए।